भारत पाकिस्तान के मैच के बाद अक्सर भारत टीम के जीतने के बाद बहुत बार देखा गया है कि लोग जश्न मनाते हैं। इस दौरान वो पटाखे फोड़ते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, चौराहे पे निकलते हैं और झंडा लहराते हैं। ये तो आम बात है, लेकिन एक सनसनीखेज खबर ये आई है कि कल के मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले के बाद, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, पाकिस्तान की जीत के बाद भारत के कई इलाकों में पटाखे फोड़ने की खबरें आई हैं। इस बारे में भारतीय जनता का क्या कहना, आइए जानते हैं उनकी राय उन्हीं की जबानी। वैसे ये तो बात सवाल खड़े करती है कि हमारे देश में भी कुछ देशद्रोह है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस देश में रहने के बाद आपकी टीम हारी है, उसके बावजूद आपके देश में अगर पटाखे किसी अदर टीम के लिए फोड़े जा रहे हैं तो कुछ तो मतलब यहाँ पे कुछ देशद्रोह लोग रह रहे हैं। ये खेल को खेल के तौर पर ही लेना चाहिए। ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज कई बार फैलाई जाती हैं, जैसा अभी हो रहा है, और अगर पटाखे हमारे देश में उस देश के लिए फैलाए जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो उस हिसाब से तो कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे रोज लहराते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पटाखे फोड़ने की बात हुई, जो झंडे लहरा रहे हैं रोज रोजाना, ये तो खास मौके की बात है। उनको हमारी भारतीय सेना सही जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम सब ने देखी है और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। पर हिंदुस्तानी होने के नाते आप कैसे पटाखे फोड़ सकते हो? मतलब हम इंडियंस हैं। कुछ राज्यों में पटाखे फोड़े गए हैं तो शायद उनके हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने सच में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया होगा कि उन्हें पटाखे फोड़ने की जरूरत पड़ी। इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को हर कुछ करने का अधिकार है। उन्होंने ये क्या सोच कर किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप पटाखे मत फोड़िए। मेरा बस इतना कहना है, जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जैसे वो शो करना चाहते हैं कि हम किसी धर्म को ज़्यादा चढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया हारी फिर भी हमारे देश में कई जगह पटाखे फूटे, इसका रीज़न यही था कि हमारे देश में आतंकवादी संगठन पैदा हो रहा है और देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। इसमें जो भी है नेता जो हैं वो अपना इसमें एक तरह से वोट बैंक बना रहे हैं और कुछ नहीं। देशभक्ति की भावना की कमी है। देशभक्ति की भावना की कमी है। हाँ। सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हैं। हाँ, हो गया। अच्छा, हमारा देश हारा तो कम से कम श्रद्धा तो रखनी चाहिए कि हार गया। यहाँ पे सब यहाँ पे हम खेल हम जंग देखते हैं कि आपस में हम लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी होता है हम पाकिस्तान से मैचेस, हमें ऐसा लगता है कि हम आपस में मैच नहीं खेल रहे, आपस में जंग कर रहे हैं। ये चीज़ के लोगों में बहुत गलत लगता है। और जो ये कल आप फटाखे फूटे हैं ये गलत है एक तरह का, मतलब हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि कोई जहाँ नीचे है या ऊपर है। हाँ, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा।